दोस्तों, अगर आपने किया है राजस्थान पुलिस भर्ती का आवेदन और अगर आपके आवेदन फॉर्म में कुछ गलती रह गई है तो आपके मन में सवाल होगा कि आप अपने आवेदन फॉर्म को कैसे सही करेंगे। दोस्तों, यहां पर एक नया नोटिफिकेशन और जारी हुआ था 17 तारीख को, जिसमें बताया गया था कि यहां पर 15 दिवस और लास्ट डेट बढ़ाई गई है और आयु सीमा में भी एक साल यहां पर आयु सीमा बढ़ा दी गई है। लेकिन यहां पर 21 जनवरी 2020 को आवेदन पत्र भरने का जो लिंक था वो निष्क्रिय कर दिया गया है। तो अब आप लोगों के मन में सवाल होंगे कि आपको अपना आवेदन सही कैसे करना है और यहां पर जिन लोगों ने आवेदन नहीं किए थे उन लोगों को आवेदन कैसे करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आली मित्र सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में राजस्थान पुलिस भर्ती से संबंधित सारे जो आपके मन में सवाल है उन सभी सवालों को हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं, उनके आपको उपाय बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, अगर बात की जाए अब लास्ट डेट जो समाप्त हो चुकी है और अब कई सारे ऐसे बंदे हैं जिन लोगों ने यहाँ पर आवेदन नहीं किए थे, उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने आवेदन नहीं किए हैं तो आप 27 तारीख से फिर से आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि 27 जनवरी 2020 से जो आवेदन करने का लिंक है वो दोबारा से एक्टिव हो जाएगा और वो यहाँ पर 10 फरवरी 2020 तक चलने वाला है। यानी कि 15 दिवस के अंदर आपको फिर से आवेदन करना है। यहाँ पर जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया है वो आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, नई नोटिफिकेशन जारी हुई है राजस्थान पुलिस भर्ती को लेकर, वो भी आप लोगों को हम दिखा देते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको जाना होगा अपने ब्राउजर पर। दोस्तों, ब्राउजर पर जाने के बाद आपको अपनी SSO ID की सहायता से यहाँ पर आना है इस पोर्टल पर, यानी कि रिक्वायरमेंट टू स्टैक वाले पोर्टल पर आपको यहाँ पर आ जाना है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नई नोटिफिकेशन और है, डियर एप्लीकेंट एडिट एप्लीकेशन फैकल्टी फॉर पुलिस कॉन्स्टेबल 2019 रिक्वायरमेंट सेल स्टार्ट आफ्टर 10 फरवरी 2020। कहने का मतलब है कि जिन लोगों ने अपने आवेदन पत्र में कुछ कमी रह गई थी, जिन लोगों के आवेदन पत्र में, वो 10 फरवरी 2020 के बाद अपने आवेदन पत्र को सही कर सकते हैं, जिसकी यहाँ पर अभी कोई लास्ट डेट नहीं दे रखी है लेकिन स्टार्ट डेट यहाँ पर दे रखी है 10 फरवरी 2020 के बाद। दोस्तों, ये दो चीज़ आपको क्लियर हो गई है, यानी कि जो लास्ट डेट निकल गई थी उसका क्या होगा, यहाँ पर दोबारा से फॉर्म आवेदन होंगे 27 जनवरी 2020 से और 10 फरवरी 2020 के बाद आपके आवेदन पत्र में आप एडिट कर सकते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर जो नई नोटिफिकेशन जारी हुई है उसके बारे में। यहाँ पर दोस्तों व्यू डॉक्यूमेंट के अंदर आपको जाना है और यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेनी है PDF फाइल और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कांस्टेबल महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर की 18 जनवरी 2020 को यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हुई है और यहाँ पर दोस्तों आप साफ साफ देख सकते हैं भर्ती हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि में वृद्धि कर आवेदन हेतु अंतिम दिनांक 10 फरवरी 2020 निश्चित की जाती है। यानी कि लास्ट डेट का जो फंडा था मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है और यहाँ पर जो वैकेंसी वगैरह है वो आप देख सकते हैं, लेकिन आप एक बार जरूर देख लें यहाँ पर कम करीबन यहाँ पर जो एज वगैरह का था वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम एवं राज्य सरकारी अधिसूचना क्रमांक के अधीन यहाँ पर जो एक वर्ष का शिथिलता प्रदान किए जाने पर फलस्वरूप आयु की गणना 1 जनवरी 2021 को आधार मानकर निम्नानुसार की जाएगी। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो पहले आयु की गणना की जा रही थी वो थी 1 जनवरी 2020, लेकिन यहाँ पर आयु की सीमा एक साल बढ़ाने के बाद अब इसे माना जाएगा 1 जनवरी 2021 के अनुमान के आधार पर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की अपडेट आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।